बाजार देख नहीं रहा किसी को भी, किसी को भी नहीं देख रहा है। आप ढूंढते ढूंढते गैप थक गए, गैप का भी नामो निशान नहीं रहा दूर दूर तक। बहुत सारे मार्केट एनालिस्ट ने कहा बाइंग ऑन डिप करना, हाँ बाइंग तो हुई लेकिन डिप के बिना हुई। आप HDFC, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के दम पर बाजार के इंडेक्स को जूम जूम करके ऊपर लेके आए हैं। पिछले दो दिन का आंकड़ा ये कहता है कि मार्केट के अंदर ब्रेथ खराब थी, मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें उसके फेवर में नहीं थी, लेकिन फिर भी बाजार को रुकना नहीं पड़ा। मेरे को अभी तक मेरी स्मृति में ये नहीं आ रहा कि कब रिलायंस इंडस्ट्रीज 4% चला है। नंबर्स वाले दिन भी नहीं चलता 4%, जिस दिन इसके बहुत अच्छे नंबर्स आ जाएं। कल मेरे पास तो कोई खबर नहीं थी, हो सकता है मार्केट के पास आंकलन हो इस चीज़ का, लेकिन 4% से ज़्यादा रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर मूव होना ये काबिले तारीफ है। HDFC इससे पहले चल चुका है। अब नया CLSA की रिपोर्ट आई है, वो तो ये कहता है कि 1750 अगर पार हो गया तो नया ब्रेकआउट होगा। तो ये कुल मिला के FI लेड रैली है, बहुत हॉट मनी वाली रैली है। अगर आप निफ्टी देखेंगे तो करीब 90 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी के अंदर जो बढ़त है वो करीब करीब 105 पॉइंट की है, और सॉरी 166 पॉइंट की अभी रह गई है। कुल मिला के बाज़ार के अंदर वैसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा ये जो फ्यूरियस बुल रन मार्केट का चल रहा है, ये बहुत सारे टेक्निकल्स, बहुत सारे डाटा एनालिसिस को, बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से प्रूव करता हुआ चल रहा है, ठीक है। तो लेकिन आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अति तेज़ी अति गिरावट दोनों पे कॉशियस जो स्टांस है। 178 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में करीब 85 पॉइंट की हल्की सी गिरावट है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स फाइनली लाल निशान में आए हैं। HDFC आज लाल निशान में क्लोज कर रहा है, लेकिन वैसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इतना ही बोलता हूँ ना कि सिर्फ 110 पॉइंट लाल निशान में आया, उसी समय 200 पॉइंट ऊपर हो जाता है, इसलिए मैं अब इंडेक्स पे बोलना ही छोड़ दूंगा कि भैया लाल निशान में आया, पहले आ जाओ अच्छे से, नहीं तो पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि जैसे मैं बोलता हूँ देखिए 100 पॉइंट नीचे आ गया, वैसे ही पता नहीं कुछ सुन रहा होता है क्या हो रहा था, उसी समय 200 पॉइंट दे ऊपर। तो फिलहाल शांति से बैठते हैं इंडाइसिस के अंदर, देखते हैं कल क्या होगा। आज एडवांस डिक्लाइन की रेशियो उतनी ठीक नहीं है, कल तक तो ठीक थी, परसों भी ठीक थी, उतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन आज थोड़ी सी 1583 शेयर हैं।